आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर हमला किया है। अरुण जेटली ने कहा कि खुफिया एजेंसी की निगरानी की वजह से संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा कि जिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन का यूपीए सहित विपक्षी विरोध कर रहे थे उसकी मदद से ये सफलता मिली है। अरुण जेटली ने 10 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर एनआईए की तारीफ भी की है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, ये तो होना ही था, जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की जांच करना और इतने बड़े मॉड्यूल को पकड़ना, जो कि एक अपने आप में खुलासा है कि 4 महीने में बनके तैयार हुआ था, ये एक बड़ी कामयाबी है। जी हाँ बिल्कुल, और ये बिना सर्विलांस के पॉसिबल नहीं था नंदिता, क्योंकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी एनआईए की, और जो आईजी आलोक मित्तल ने बात कही थी कि 3 महीने पहले से इस ग्रुप पर नज़र रखी जा रही थी, और 1 महीने से लगातार इनके जो फ़ोन को इंटरसेप्ट सर्विलांस पर डाला गया था, इनके ऑनलाइन चैट को मॉनिटर किया जा रहा था। तो ये तभी पॉसिबल था कि जब एनआईए के पास ऐसी टेक्नोलॉजी या यूं कहें कि ऐसे राइट दिए गए थे। दूसरी बड़ी बात कि ये हमले पहले हो जाते, जैसा कि राजू बता रहे थे, बस प्रॉब्लम इनके साथ ये थी कि ये बम बना नहीं पा रहे थे। ये इंटरनेट से बम बनाना सीख रहे थे, लेकिन सामग्री भी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन ये पूरी तरीके से बम बना नहीं पा रहे थे। जिस दिन ये बम बना ले जाते हैं उसके अगले दिन से ये धमाके करने शुरू कर देते हैं, तो एक बड़ी त्रासदी होती, बड़े नुकसान होता, क्योंकि एक इनका नेटवर्क देखिए, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कई जगहों पर ग्रुप बनाए जा रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि 10 लोग सिर्फ अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन इस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। देखिए, जब भी ऐसे ग्रुप बनते हैं, कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं, कुछ इनएक्टिव मेंबर होते हैं, यानी एक लिसनर होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो थे, इनके जो रिंग लीडर थे वो 10 थे, लेकिन बाकी लोग इनके स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, जिनको कहा जाता है कि यहाँ बम रखाओ, यहाँ पर ये सामान पहुँचा दो, तो वो उतने ही डेडली होते। लेकिन हम इस मामले में काफ़ी लकी हैं, क्योंकि समय रहते जब ये कामयाब होते, हमारी एजेंसियों से इनको पकड़ लिया। और जेटली भी बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि अगर ये सर्विलांस नहीं होता तो कभी भी हम इनको पकड़ नहीं पाते।